थैंक यू थैंक यू. जो है आपके गाने ने 80 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया है, सो कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, बर्थडे कितना स्पेशल है आज, इतने सारे व्यूज, इतने फैंस लोगों ने पसंद किया गाने का. बिल्कुल बिल्कुल. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग हियर, फॉर ट्रीटिंग मी द वे वेरी स्पेशल. एंड गाना 80 मिलियन प्लस, एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल लेवल पे हो रखी है अभी तो. एंड आई एम फीलिंग वेरी 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 ब्लेस्ड, वेरी ओवर वेल्म. थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. सॉन्ग को देखने के बाद क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, अगर उस बारे में कुछ बताया? बहुत बहुत पसंद किया जा रहा है ऑडियंस की तरफ से, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छी रीपोस्टिंग हो रही है. सो आई थिंक ओवर द टॉप, ओवर द क्लाउड, दैट्स ऑल. Experience is very fab, very marvelous. Actually, the thing was the way we are shooting it. It's very hectic. It's in Ladakh, so acting tha, but the result, the overcome, the which outcome is fab, fab. Thank you. So, आज के लिए कितनी preparation की है, birthday party की है, बहुत सारे answers. Actually, frankly, it's a surprise from me. So, family, friends, आप सब ने जो जो surprise arrange किए, let's see अब क्या होता है. I'm all hoping for the best. Any of your upcoming project after this? हाँ जी, इट्स गोइंग ऑन, इट्स गोइंग ऑन. सो बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. SRK forever. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू. गाना 80 मिलियन क्रॉस हो चुका है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहूँगा? इसके बाद कहने को क्या रह गया? बहुत बहुत शुभकामनाएं आयरा जी को बर्थडे के लिए. और गाना उनका आया है और 80 मिलियन लोगों ने देख लिया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, इसी तरह अच्छा से अच्छा गाने बनाते रहें. 80 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब, मैंने अभी गाना सुना नहीं है, अभी सुनूंगा, इसका मतलब गाना बहुत ज़बरदस्त है. तो आयरा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले दिनों में और अच्छा अच्छा म्यूज़िक बनाए और लोगों के सामने पेश करें, मेरी गुड विशेस सुनकर. इसके अलावा आपकी बात करें, शेर शिवराज को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, आपके किरदार को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, उसके बारे में क्या कुछ कहते होंगे? जब मैं सुनी थी कहानी तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के. और सबसे बड़ी बात थी कि उनकी रिसर्च बहुत अच्छी थी उस करेक्टर को लेकर. डायरेक्टर साहब दिगपाल जी ने जिस तरह मुझे सुनाया तो मुझे लगा यही मौका है. कई बार इस ये फिल्म में ऐसे पहले भी बनी तो ये सेम करेक्टर मुझे करने को मिला, लेकिन फिल्म शुरू नहीं हो पाई. लेकिन इस बार जब उन्होंने कहानी भी सुनाई, मुझे अच्छी भी लगी और फिल्म बनी भी, कंप्लीट भी हुई और लोगों ने उसे पसंद किया है, तो मराठी एक अपने आप में बहुत कमाल की इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं. वो इसलिए क्योंकि उनका नाता स्टेज से जुड़ा हुआ है, तो उन सबके साथ काम करने का मौका मिला, मज़ा आया. अफजल खान के किरदार की मैं बात करूँ, काफ़ी लोगों ने वो किरदार निभा चुके, बट आपने जो निभाया उसको काफ़ी सराहा गया. आप कुछ प्रिपरेशन किए थे, लाइक हैव यू प्रिपेयर फॉर समथिंग बिफोर डूइंग दैट रोल? आपने कुछ रिसर्च किया अफजल खान के बारे में? मुझे इतना फ़ायदा हो गया था कि मुझे स्क्रिप्ट पहले मिल गया था और उससे मुझे उसे तैयार करने में बहुत आसानी रही. काफ़ी उसके ऊपर मैंने जितना जोर लगाना था लगा लिया. सबसे बड़ी बात जो मेरे फेवर में रही वो ये थी कि फिल्म है मराठी, लेकिन उनकी सोच ये थी कि ये जो मेरा करेक्टर है ये उर्दू जो उस तरह की भाषा है उसी मिक्स लैंग्वेज में बात करेगा, मराठी नहीं बोल रहा है वो. तो ये शायद ब्लेसिंग इन डिसगाइज रहा, क्योंकि लैंग्वेज थी जो मैं जिस पे मेरा कंट्रोल था उसी में मुझे बोलना था. तो ये एक चैलेंज जो बन सकता था मेरे लिए, अगर मराठी में पूरा बोलना पड़ता तो एक चैलेंज होता, तो ये भी मेरे फेवर में गया, इसलिए और मज़ा आया करने में. एज ए डायरेक्टर तो मुझे अच्छा लगा, उस कॉन्सेप्ट भी मेरा ही था और जो किरदार था, मतलब जो कैरेक्टर था आयरा का, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया. तो को तो बहुत सैड करेक्टर था, उससे पहले वो हैप्पी थी एंड शी इज़ नॉट देयर, बट जिस तरीके से उसने किया है, जो मैंने उसको कंटिन्यू बोला, खाली तरह फेस एकदम सैड और ब्लैंक रखना, और उसने थ्रू आउट पूरे गाने में वैसा रखा. कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज थी उसमें जिसमें हैप्पी है जब फ्लैशबैक में जाती है. तो इट्स गुड ओवरऑल जो पैकेज आया है, जो मेहनत थी वो रंग लाई और अभी 80 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं. बाकी 100 मिलियन का बस इंतजार है. आयरा का बर्थडे भी आज सक्सेस सेलिब्रेशन. हाँ, बस मेरी बेस्ट विशेज है आयरा को,
आज हर बर्थडे एंड शी इज अमेजिंग। इंशाल्लाह दो चार गाने का और प्लान चल रहा है, नेक्स्ट गाने का भी आर्या के साथ करने का प्लान चल रहा है मेरा, तो इंशाल्लाह वो भी हिट होगा। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं तो दैट मेक्स अस इवन मोर क्लोजर। इट्स अ चांस टू गेट टू नो मेनी मोर पीपल एंड विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो एक्चुअली मैं आयरा मैम के हस्बैंड के साथ सेम टाइम पे जिम जाती हूँ, तो वैसे ही टच हूँ। नॉट राइट नाउ बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन माई अकेडमिक्स सिंस आई एम इन द 10th ग्रेड, सो वंस आई एम डन विथ माई बोर्ड्स होपफुली आई विल बी बैक। इसके अलावा ये मोमबत्ती की बात करें, उसके बाद से लाइक यू हैव बीन इन टू अ ब्रेक, तो ये मोमबत्ती को कितना मिस कर पा रहे हो, कास्ट को कितना मिस कर पा रहे हो स्पेशली? बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कास्ट को, शूटिंग को स्पेशली बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। इट इज़ अ लॉट ऑफ फन ऑन सेट एंड सबसे अमेजिंग आप बात कर रहे हो देवेंद्र मैम से, बात कर पाती हूँ? हाँ जी, हम सब टच में रहते हैं आई थिंक सोशल मीडिया एंड अदर सोशल प्लेटफॉर्म, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हेल्प अस ऑल स्टे कनेक्टेड, वी ऑल नो व्हाट्स हैपनिंग इन ईच अदर्स लाइफ। इसके अलावा रियलिटी शोज के तरफ किस तरह देख रहे हो, क्या आपको इन फ्यूचर में कोई रियलिटी शो आपको करना पसंद करता? मैं रियलिटी शो तो एक ही देखती हूँ विच इज़ खतरो एंड आई रियली इन्जॉय इट एंड अदरवाइज आई लाइक टू वॉच कॉफी विद करण। आई लाइक टू होप दिस टर्म यू आर फॉलोइंग खतरो की खिलाड़ी, कोई एनी ऑफ योर फेवरेट कंटेस्टेंट? दिस टर्म आई एम एक्चुअली नॉट फॉलोइंग बिकॉज आई वाजंट अवेयर। लास्ट ईयर फॉलो किया रहेगा ड्यू टू दिस इवेंट? लास्ट ईयर हाँ हाँ जी जरूर फॉलो किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा फील होता है मतलब। इसके लिए ये कहना चाहूँगा बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी एक्टर है और इसको बहुत अच्छे से विश कर आए आज इसीलिए। सो ये कहूँगा विश वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आयरा। गाने की दो लाइनें मन बाबुरा है, मन बाबुरा, मन बाबुरा है, मन बाबुरा, सुनता नहीं है क्यों लापरवाह, लापरवाह, मन बाबुरा दिल, मन बाबुरा। अच्छा टुकड़े टुकड़े दिल दे कर के माही वे तू खुश हो जा, जिन्हें सारे ख्वाबा देखिया दिल ने तू संग संग सब ले जा, जिथे भी तू जावे तेनू याद नहीं मैं करना, छड़ जाने दे मैनू, छड़ जाने दे मैनू, मैनू इश्क नहीं करना।